लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक को धमकाने पर बीटेक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम टीम ने अर्पित सिंह को किया है गिरफ्तार। छात्र ने व्हाट्सएप कॉल कर मांगी थी 10 लाख की रंगदारी। डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र सिंह से रंगदारी मांगी गई। बीटेक छात्र ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, जिसके बाद साइबर क्राइम टीम ने अर्पित सिंह को गिरफ्तार किया। बीटेक छात्र अर्पित सिंह ने विधायक को फोन करके 10 लाख की रंगदारी मांगी थी, व्हाट्सएप कॉल किया था, जिसके बाद क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम टीम ने शिवा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शिवा, बीटेक छात्र अर्पित सिंह से जुड़ी यह खबर है, उन्होंने विधायक को फोन किया, धमकाया, रंगदारी मांगी, जिसके बाद साइबर क्राइम ने टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इस खबर की पूरी अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल है ना, बीते दिनों डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र सिंह से रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी का कॉल सीधे सीधे व्हाट्सएप कॉल से आया था। इस बात की सूचना जब साइबर क्राइम पुलिस को दी गई तो उसने सीधे सीधे ट्रैकिंग करते हुए, क्योंकि व्हाट्सएप का लोकेशन जो लेना होता है बहुत ही कठिन होता है, इसके लिए कैलिफोर्निया का सर्वर को एक मैसेज भेजा जाता है, एक मेल भेजा जाता है, बाकायदा उसके 14 दिन बाद एक सर्वर रिसीवर आता है। उसके बाद एक बड़ी सफलता हाथ मिली है साइबर क्राइम पुलिस को। अर्पित सिंह नाम के जो बीटेक छात्र है उसको साइबर क्राइम की यूनिट ने गिरफ्तार किया है। बीटेक का छात्र है और बताया जा रहा है कि विदेशी नंबरों को ऑनलाइन जनरेट कर व्हाट्सएप कॉलिंग से रंगदारी इसने मांगी थी और बीजेपी के विधायक डुमरियागंज से जो राघवेंद्र सिंह है उनसे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तो इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस को सफलता एक हाथ लगी और ये बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद हो सकता है कि इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और किस किस तरीके से ये रंगदारी वाले मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है और कहां तक इस रंगदारी वाले मामले में पुलिस को किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, कैसे छात्र को पकड़ा और मोडस ऑपरेंडी, खासतौर से कि बीटेक छात्र एक विधायक से रंगदारी मांगता है, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, क्या जरूरत उसको पड़ी थी और भी 10 लाख रुपए की। तो इन तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए हो सकता है कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन जिस विधायक से रंगदारी मांगी गई थी उस शख्स को फिलहाल साइबर क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारियों के लिए शिवा शुक्रिया आपका।